चमोली के जिला मुख्यालय गोपेश्वर न्याय भवन में जिला बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। इस शपथ ग्रहण समारोह में बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पूर्व कैबिनेट मंत्री और बद्रीनाथ के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भरत सिंह रावत, सचिव संदीप रावत समेत सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा कि चमोली जिला बार एसोसिएशन का अपना एक इतिहास रहा है। यहाँ के अधिवक्ताओं ने जिले को ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश में जनपद का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं के राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन का मैं बहुत आभारी हूँ और नव नियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था, उन्होंने मुझको बुलाया। बार हो गया, डॉक्टर हो गए, एक शिक्षित वर्ग है और बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे मौक़ों पे आने का मौका लगा। और ये जो लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं, उन लोगों की पैरोकारी हमारे जो अधिवक्ता लोग करते हैं, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ। और बड़ी बात है कि एक तालमेल बना रहता है, उस तालमेल के अंदर हम सब लोग आते हैं और राजनीति की चरम सीमा होती है बार एसोसिएशन, और तमाम दलों से जुड़े हुए लोग रहते हैं, उनकी सोच भी बड़ी अच्छी होती है, इसलिए मैं उस सोच की भी पूरी पूरी प्रशंसा करता हूँ।